हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि हम हमारे बच्चों को ना कुछ हेल्दी खिला सकें। और अगर आप बात करें किसी भी हरी सब्जी की, जैसे पालक, मेथी, तो उनका मुंह जो है ना वो चिढ़ जाता है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। तो इसका ना एक सलूशन है मेरे पास, क्योंकि बच्चों को ना हर चीज़ में चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी उनको हर चीज़ में चीज़ चाहिए। तो बस ऐसा ही कुछ सलूशन है ये पालक वाली सब्जी का। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो छोटे वाले बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं चीज़ वाले पालक की रेसिपी की तरफ। तो एक पैन में हमें लेना है 2 से 3 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो हमने एक मिर्ची डालनी है तोड़कर, 1 चम्मच जीरा, उसके साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच मस्टर्ड यानी कि राई, अच्छे से भून ले, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया, भून ले इसे अच्छे से। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 आलू जिसे मैंने रफली चॉप किया है। इसी के 200 ग्राम पम्पकिन यानी कि कद्दू डाल रही हूँ भोपला। चुटकी भर हल्दी डाल ले, चला ले, मिक्स कर ले, इसे ढक दे और थोड़ी देर तक पका ले। 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे 1 टमाटर डाल दे रफली चॉप्ड, इसी को अच्छे तरीके से पका ले। 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला ले। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीज़। तो मैंने 2 क्यूब चीज़ लिया है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। 1 चम्मच जो है हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पिज्ज़ा वाला जो है वो फील देना है। एक बात का ध्यान रहे कि सारी चीज़ें जो है ना आपको लो फ्लेम पे पकानी है। कश्मीरी मिर्च डाल दें 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल दें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, इसे ढक दें और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसमें अच्छा चीज़ी फ्लेवर आ चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारे पालक। तो मैंने यहाँ से 2 से 3 कप पालक लिए हुए बारीक कटा हुआ, अच्छे से धो लिया है इन्हें, मिला ले अच्छे से सारी चीज़ों के साथ, ढक दे, 5 से 10 मिनट तक पका ले। तो ये देखिए चीज़ और पालक जो है अच्छी तरीके से मिल चुका है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ चुका है, सब्जी तैयार है। यहाँ पे करते गैस को बंद, 1 चीज़ करते ग्रेट, और बस गर्मा गर्म आपकी अमेजिंग सी पालक वाली रेसिपी जो है ना वो तैयार है। मैं गारंटी देती हूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस सब्जी में हमने पालक और कद्दू यानी भोपले का इस्तेमाल किया है, और बच्चे तो इसे बिल्कुल पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरे घर में बच्चे तो इसे बड़े मज़े के साथ खा लेते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।